हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास के अकाउंट के अंदर जो इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर है उसके अंदर एक ज़बरदस्त टॉपिक है, फोर फीचर ऑफ शेयर, अंशों का अपहरण या जप्त करना। इसका क्या मतलब है, क्या ये है, ये बहुत बढ़िया ज़बरदस्त टॉपिक है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी और थ्योरी के अकॉर्डिंग भी। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले फोर फीचर ऑफ शेयर क्या है कि यदि कोई शेयर होल्डर है जो है अलॉटमेंट या किसी कॉल मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का भुगतान नहीं करता, ठीक है ना, तो कंपनी को ऐसे अंशधारी मतलब शेयर होल्डर है जो को उनके अंश शेयरों को क्या है जब्त करने का अधिकार होता है, मतलब फॉरफिट करने का उनके पास राइट है ये, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा ना। तो अंशों को जब्त करने से कंपनी उस शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजेगी पहले, ठीक है ना, उसको नोटिस भेजती है। वह अपने अंशों पर जो बैलेंस है, राशि जो अमाउंट है, वो सारा का सारा समय 14 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना होगा उसको, तो ब्याज सहित देना पड़ेंगे, भाई आप इस पैसे को ब्याज सहित दे दो। तो इस सूचना से यह भी स्पष्ट लिखा होता है कि निर्धारित जो तिथि है तक भुगतान न करने पर उसके शेयरों पर क्या हो जाएगा, हरण, हरण मीन्स फॉरफिट कर लिए जाएंगे। तो भुगतान करने के लिए सूचना में जो तिथि दी होती है वहाँ से अंशधारी को सूचना मिलने के कम से कम 14 दिन के बाद ही होना चाहिए सब कुछ, मतलब उसको 14 डेज का टाइम मिलता है कुल मिला के। तो नोटिस में निर्धारित तिथि तक भी भुगतान नहीं होता तो उसके अंशों को फिर फॉरफिट कर लेंगे। तो अंशों के हरण करने पर अंशधारी द्वारा अंशों पर अब तक चुकाई गई जो राशि है ना वो जब्त कर ली जाएगी। मान लो भाई उसने 10 रुपये का एक शेयर ले रखा है, उस 10 रुपये में से उसने 5 रुपये चुका दिए, 5 रुपये नहीं चुकाए तो 5 रुपये उसके मर गए, मतलब किडनैप हो गए, मतलब कंपनी ने जब्त कर लिए। अब ना उसके 5 मिलेंगे ना ही उसको शेयर मिल पाएगा अगर वो आने वाले जो पैसे हैं उनकी पेमेंट नहीं करता। तो इसे अंश अपहरण खाता मीन्स शेयर फॉरफीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं इसको, मतलब उसमें बढ़ा देंगे इस बैलेंस को। और जो अपहरण होने से मतलब फॉरफिट होने से क्या होगा, जो अलॉटमेंट हुआ था ना, वो आवंटन हुआ था, वो रद्द नहीं होता और ये अंश किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्निर्गमित री इशू किए जाते हैं, मतलब भाई तुम्हारे वाले शेयर किसी अदर को दे देंगे। तो अंश अपहरण खाता पुनर्निर्गमन से पहले एक अंश पूंजी का ही एक हिस्सा माना जाता है, तो जब तक उसको निर्गमन नहीं करते तो वो क्या है, शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट माना जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया फोर फीचर ऑफ शेयर के बारे में। तो ये जो फोर फीचर है वो उसकी 3 स्टेज होती हैं, एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट पे भी। तो कैसे कैसे करना है, रीशू भी फिर एट पार पे भी, एट प्रीमियम पे भी और एट डिस्काउंट पे भी। तो फोर फीचर समझ ही गए होंगे आप लोग, मतलब उससे अपने शेयर वापस लेना। जब हमने उनको शेयर दिए थे तो क्या हुआ था, शेयर कैपिटल क्रेडिट होती थी ना, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल भी डेबिट। तो अब क्या होगा, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट की बजाय अब डेबिट में लिखनी पड़ेगी, और जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जी जिस पे नए पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, मतलब अपोजिट, जो डेबिट होता था उसको अब क्रेडिट लिखेंगे, जो क्रेडिट था उसको डेबिट लिखेंगे। इस तरह से वो पैसे अपने आप ही कम हो जाएंगे वहाँ से, उसके नाम से पैसे कट हो जाएंगे। तो मैं 3 स्टेप को बताता हूँ, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे फॉरफीचर कैसे होगा और रीशू कैसे होगा, ये इसी में आपको सुनने को मिलेगा, सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं फोर फीचर के एंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पे एट पार के बारे में बताएगा, फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। तो एट पार की कंडीशन में क्या होगा कि जितने का शेयर था उतने के हिसाब से उसको रद्द करना है। तो हमें आपको बताया जो शेयर को कैंसिल करेंगे ना, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट की बजाय कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल टू शेयर फोर फीचर। तो जो जो ये नाम लिख रहे हैं जैसे अलॉटमेंट या कॉल, तो इसका मतलब इन पे अमाउंट आपको नहीं प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं लिखना है, जिस पे नहीं होगा उसको ही लिखना है। मान लो एप्लीकेशन पे आ गया तो एप्लीकेशन नहीं लिखा, देखो एप्लीकेशन पे तो वैसे आता ही है सभी का, जब भी तो उसके नाम शेयर होते हैं। अलॉटमेंट पे नहीं आता तो अलॉटमेंट यहाँ लिखना है, और अलॉटमेंट पर अगर पैसा आ जाता तो अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं लिखते, बल्कि उसका पैसा सारा फोर फीचर के नाम से उसमें दिखा दिया जाएगा। तो टू शेयर फोर फीचर जो लिखा है उसके अंदर वो पैसा आएगा जो जो प्राप्त हो चुका है, और जिन जिन के नाम यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब उनका पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर इस टॉपिक को चेंज करके यहाँ मतलब ऐट पार की बजाय ऐट प्रीमियम कर दिया जाए, तो ऐट प्रीमियम में क्या होगा देखिएगा। तो फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो इन अंशों का जब फॉरफिट करते समय यह देखना चाहिए कि जो किडनैप मतलब फॉरफिट किए हुए शेयर हैं वो प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया है या नहीं। तो दो कंडीशन बन जाएंगी यहाँ पे, भाई प्रीमियम प्राप्त हो चुका है या प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो प्रीमियम प्राप्त होने के बाद अंशों का हरण किया जाता है, तो वहाँ पे जब प्रीमियम प्राप्त हो चुका है, ठीक है, अगर प्रीमियम प्राप्त
हो चुका है तो उसको एंट्री में नहीं दिखाएंगे प्रीमियम को, जब प्रीमियम को भी नहीं दिखाएंगे और ना ही अलॉटमेंट को दिखाएंगे कि वो प्राप्त हो चुका है। और अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको एंट्री में दिखाया जाएगा, प्रीमियम को भी और अलॉटमेंट को भी। सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट अगर प्राप्त हो रहा है तो एंट्री में नहीं दिखाना, जब अलॉटमेंट नहीं दिखाएंगे तो प्रीमियम भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट के साथ ही तो प्रीमियम आता है ज़्यादातर। और अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको एंट्री में दिखाएंगे, प्रीमियम को भी दिखाएंगे। प्रीमियम प्राप्त हो गया है मतलब अलॉटमेंट, ठीक है, उसके ऊपर तो देखो कैसे एंट्री बनती है। तो दो केस बन गए यहाँ पे, एक ये कि अगर प्रीमियम प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, देखिएगा, अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो एंट्री में आप प्रीमियम यहाँ दिखाएंगे, अलॉटमेंट भी दिखाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट होता था, अब डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट में लिखते थे, अब डेबिट में करेंगे, क्योंकि हम उसके नाम से जो शेयर हैं उनको रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, अब उसके नाम नहीं रहे हैं शेयर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये पूरा नाम है इसका भाई, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर में वो आएगा जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है, चाहे वह एप्लीकेशन का हो, चाहे अलॉटमेंट का हो, चाहे कॉल का हो। और उसके बाद अगर प्रीमियम प्राप्त नहीं होता तो ऐसे है, और अगर प्रीमियम प्राप्त हो जाता, अलॉटमेंट नहीं दिखाना और प्रीमियम भी यहाँ पे नहीं दिखाना, इन बात का ध्यान रखेंगे, ये दूसरा केस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बात आ जाए डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट अब तो टॉपिक आपका हो चुका है ख़त्म, नई जो बुक है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक ख़त्म हो चुका है, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ। डिस्काउंट को हम कहाँ लिखते थे एंट्रियों में, डेबिट साइड में, अब डिस्काउंट को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर डिस्काउंट वाला टॉपिक होगा तो एंट्री में उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और सारा केस वैसे रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एंट्री देख सकते हैं कि एंट्री तो बस मेन एक ही है, फिर अब एट पार है तो सिंपल रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, जो भी है आ गया। और अगर एट प्रीमियम आ गया तो प्रीमियम देखना पड़ेगा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, अगर प्राप्त नहीं हुआ तो एंट्री में दिखाना है, प्राप्त हो गया तो एंट्री में नहीं दिखाना है, बस। और इसी तरह डिस्काउंट है, डिस्काउंट में प्राप्त होना नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंट को दिखाना ही दिखाना होता है, बाकी ये टॉपिक अब रहा नहीं है, तो फिर भी नॉलेज के तौर पर मैं कंप्लीट बता देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर डिस्काउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, जो जो नाम आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये प्राप्त नहीं हो रहे, अगर प्राप्त हो जाएंगे फिर एंट्री में आप इनके नाम नहीं दिखाएंगे। तो उसके बाद ये तो था अब तक सारा का सारा फॉरफीचर वाला केस। अब बात आ गई, अब हमने किसी एक व्यक्ति के जो शेयर है उनको रद्द कर दिया है, पर वो शेयर हमें अपने पास नहीं रखने, कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, वो किसी अदर पर्सन को देगी उनको, क्योंकि कंपनी को तो पैसे से मतलब है भाई, तुम नहीं दे रहे पैसे, कोई और देगा, तो वहाँ से कैंसिल करके किसी अदर व्यक्ति को दे देंगे, तो उसको बोलते हैं रीइशू करना। तो किसी अन्य व्यक्ति को देने को हम क्या बोलते हैं, रीइशू। तो रीइशू का टॉपिक आपका ये रहा, तो रीइशू के बारे में बोल रहा हूँ, हरण किए गए अंश है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक है पुनर्निर्गमन कर सकते हैं, और इन अंशों का पुनर्निर्गमन एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पर हो सकता है, तो परंतु पुनर्निर्गमन पर कटौती की राशि को क्या करना भाई, अधिक से अधिक नहीं होनी चाहिए जो पहले अंशधारी से प्राप्त हुई है। मतलब वो कह रहा है कि जो पहले वाले से हमने जितना बेनिफिट उठाया है डिस्काउंट, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम, उतना तक ही दे सकते। मान लो हमने उसके पिछले व्यक्ति से 5 रुपये का बेनिफिट ले लिया, तो हम डिस्काउंट 5 रुपये तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उसको डिस्काउंट को नहीं दे सकते, क्योंकि हमें भी लॉस नहीं करना ना अपना। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए आपको, जब शेयर हम इशू करते थे तो उसी तरह यहाँ पे भी अब रीइशू भी उसी तरह से होगा, ठीक है। एट पार पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एट प्रीमियम पे क्या होगा, प्रीमियम साथ में लग जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये पूरा नाम आ गया, पुरानी बुक है इसलिए रिजर्व नहीं लिख रहा है साथ में। और तीसरा केस हुआ तो डिस्काउंट वाला, तो डिस्काउंट में डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए लॉस है ही नहीं, वो डिस्काउंट पे हम क्यों गिर रहे हैं, हम तो पिछला जो बेनिफिट था उसको छोड़ रहे हैं, मतलब तो जितना हम कम में बेच रहे हैं तो वो शेयर फॉरफीचर के नाम से डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि फिर वो जो लॉस हमें लॉस नहीं है, वो सामने जो खरीद रहा है ना व्यक्ति उसको लग रहा है भी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, पर हमें कोई लॉस नहीं है, क्यों, हम तो पिछला जो बेनिफिट हुआ था फॉरफिट किए हुए शेयरों का उसी के आधार पर कम पैसे में बेच रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरह से ये
रीशू की डिस्काउंट वाले केस की एंट्री बनेगी, ठीक है। और ये सब बनने के बाद एक लास्ट में एंट्री आती है जो फॉरफीचर का अमाउंट का बैलेंस है, शेयर फॉरफीचर को कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री, ये लास्ट है। उसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि अंशो को जो रीइशू किया गया ना शेयरों को, तो उसका शेयर फॉरफीचर अकाउंट के जो शेष बचता है वह कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल गेन है, मतलब पूंजीगत लाभ है, और इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इस तरह से ये एंट्री बनेगी। और इस तरह से ये टॉपिक है आपका, थ्योरी में भी आ जाता है बड़े नंबर में, और न्यूमेरिकल भी आप सीखेंगे। तो न्यूमेरिकल कैसे करना है वही मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे कहते हैं पास जनरल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइशू इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर हमें अलग अलग केस दे रखे हैं चार, तो चारों केस को मैं कोशिश करूँगा करवाने की, जिससे कि आपको मैक्सिमम ये रीइशू और फॉरफीचर का टॉपिक समझ आ जाए। क्योंकि आपको एक एंट्री फॉरफीचर की बनानी है, एक रीइशू की बनानी है, और जब रीइशू और फॉरफीचर इकट्ठा आ जाए तो फिर एक एंट्री लास्ट में ट्रांसफ़र की बनानी है। फिर आप बोलोगे जी वो आठ एंट्रियाँ चल रही थी इशू की, उनका कब बनाना हिसाब किताब, जिस क्वेश्चन में शेयरों को इशू करेगा तभी तो आप इशू की आठ एंट्रियों के बारे में विचार करोगे ना। इसमें एप्लीकेशन बोला ना, अलॉटमेंट बोला, और ना ही कितने शेयर इशू करे उसके बारे में बोला है। तो सिर्फ इसमें तो फॉरफिट बोला है, फॉरफीचर मतलब, और रीइशू बोला है, तो फॉरफीचर और रीइशू की कर दो, ठीक है ना। और जहाँ फॉरफीचर रीइशू हो गया तो इसका मतलब कैपिटल लेजर की, तो तीन एंट्री वाला खेल है यहाँ पे, ना कि वो आठ और ये तीन ग्यारह। वैसे कई क्वेश्चनों में जिसमें इशू लिखा आएगा तो वहाँ आठ एंट्रियाँ वो बनेंगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, और तीन एंट्रियाँ फिर एक फॉरफीचर की, एक रीइशू की, एक ट्रांसफर की कैपिटल लेजर में। तो इस तरह 11 एंट्रियाँ आपको कंप्लीट बनानी होती हैं बड़े क्वेश्चन में। तो यहाँ पे तो सिंपल सिंपल है, तो सुनिएगा कैसे है। कहता है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर, तो यहाँ पे 400 शेयरों को फॉरफिट किया गया ऑफ अनिल 10 इंच 10 का, ये कह रहे फुल्ली कॉल्ड अप, सारे सारे आने हैं पैसे, फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो जिसकी पेमेंट नहीं आएगी एंट्री में वो नाम दिखाया जाएगा, ध्यान रखना, ऑफ 2 रुपीज़, 2 ही रुपये नहीं आए हैं पर शेयर, एंड रीइशू टू सुनील एज फुली पेड 10 पर शेयर। वो कहता है रीइशू सुनील को कर दिया 10 रुपये में, फुली का मतलब 10 वाला 10 में हमने दे दिया है सुनील को, तो अनिल सुनील से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फॉरफीचर की एंट्री से मतलब है। तो हमारा पहला केस चलेगा यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कोई डिस्काउंट का तो प्रीमियम का तो कोई चक्कर है नहीं, इसलिए सिंपल एंट्री बनेगी, टू शेयर किस पे नहीं आए, फाइनल कॉल पे नहीं आए, फाइनल कॉल अकाउंट टू, तो आगे तो उसको फॉरफीचर के नाम से लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर, ठीक है, अकाउंट। तो इस तरह से बनाना है, जो नहीं आएगा उसका नाम लिखना है, और जो आ गए हैं सब फॉरफीचर में चले जाएंगे। शेयर कैपिटल कितने से बनेगी भाई, 400 आपके शेयर हैं, ठीक है, और 10 रुपये का एक शेयर के हिसाब से 4000 रुपये आपके हो गए, ठीक है। फाइनल कॉल कितने की है वो देख लो, 400 शेयर हैं, फाइनल कॉल 2 रुपये की है, तो 400 के हिसाब से 800 ये यहाँ पे आ गए। अब बच गए 400 के हिसाब से आ कितने गए, 8 रुपये आ गए 10 में से, इसका मतलब तो यहाँ 3200 आपको क्या हो गए, रिसीव हो गए, ठीक है। तो ये देखो 3200 आपने प्राप्त कर लिए। इस तरह से एंट्री में इसको अमाउंट को शो करके दिखाना था। फिर बात आ गई है अब इस अमाउंट को क्या करना, आपको इस शेयरों को रीइशू करना है सुनील को, तो रीइशू की एंट्री आप बनाइए। रीइशू की एंट्री क्या है, सिंपल है, एट पार की बनेगी, फुली पेड 10 वाला 10 में, तो एट पार पूरा पूरा पे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 10 के हिसाब से हमने उसको दे दिया है, तो 400 गुना में 10 ये आ गया 4000, 400 गुना में 10 मतलब 4000 ही क्रेडिट कर दिया हमने। तो इस तरह से ये फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अब मैं पर हाँ सॉरी, कंप्लीट होने से एक ट्रांसफ़र की एंट्री तो रह गई है। ट्रांसफ़र की एंट्री क्या बनेगी, ये वाली शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे देखिएगा, यहाँ पे हमने कितने किडनैप किए हैं, 3200 रुपये का बेनिफिट हुआ है, तो यहाँ 3200 रुपये आपके पूरे पूरे ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। इस तरह से अब हुआ ये फर्स्ट केस कंप्लीट। अब मैं आपको सेकंड केस के बारे में बताता हूँ।
सेकंड केस में कहता है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर हैं, 10 ईच एज ए फुली कॉल्ड अप है, नन पेमेंट फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं आए तो फर्स्ट और सेकंड कॉल को एंट्री में दिखाएंगे हम। ऑल द शेयर वर रीशू एज फुली पेड 8 पर शेयर। तो ये कहता है इसको 8 रुपये के हिसाब से हमने फुली पेड मतलब 10 वाला 8 में हमने भेज दिया, 2 रुपये डिस्काउंट बनेगा। तो कैसे करेंगे यही आपको यहाँ समझना है। तो आपको पता लगाना भी शेयर हैं 500 शेयर हैं, ठीक है, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल और 2 रुपये की फाइनल कॉल आपने नहीं रिसीव करी है, ठीक है, और उसको फिर हमने 8 रुपये के हिसाब से रीशू भी कर दिया। तो एंट्री कैसे बनती है, शेयर, ये आपका सेकंड केस है, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो जो नहीं आए, शेयर सेकंड फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, फॉर फ्यूचर हो गया। तो शेयर आपके हैं 500, यहाँ बताया था ना मैंने अभी आपको, मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से 5000 रुपीज़ का आपका हिसाब हो गया, और फर्स्ट कॉल कितने की है भाई 2 रुपीज़ की, तो 1000 का हिसाब ये हो गया, और सेकंड कॉल आपकी है 2 रुपीज़ की, तो 1000 का हिसाब ये हो गया। तो इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने का होगा, 6 का, क्योंकि टोटल 10 रुपये है ना, तो 3000 रुपये का हिसाब आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसको रीशू किया हमने 10 वाला 8 में, तो रीशू की एंट्री डिस्काउंट वाली बनानी है, ध्यान रखना कि 10 वाला 8 में 2 रुपये कम का दिया ना, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या बनती है, ये बनती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर, यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी बन गई है रीशू की डिस्काउंट वाली एंट्री। तो बैंक में कितने आएंगे भाई, आपके शेयर हैं 500, 8 के हिसाब से 4000 रुपये तो बैंक में आ जाएंगे, 500 और डिस्काउंट 2 रुपये चला गया, तो 1000 रुपये आपका डिस्काउंट में चला गया है, और 500 गुना पूरा 10 के हिसाब से 5000 रुपये शेयर कैपिटल के नाम के आपने दिखा दिए। तो अब ट्रांसफ़र की एंट्री बनेगी, ट्रांसफ़र की क्या एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 3000 रुपये का डिस्काउंट वो फॉरफिट किया ना आपने शेयर, और आपने माफ़ कितने कर दिए रीशू करते टाइम 1000 रुपये, 3000 में से 1000 आपने माफ़ कर दिए, तो बचे कितने अब आपके पास 2000, तो सिर्फ 2000 ही इसमें जा पाएंगे, क्योंकि 3000 में से 1000 यूज यहाँ हो चुके हैं, तो वे कट के ही आएंगे। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट सुनिएगा, कहता है सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर, तो 600 शेयर को फॉरफिट करना है भाई, 10 इंच 10 का 1 है, फुली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट 3 रुपये की अलॉटमेंट नहीं आया, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं आया और 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं आई। तो जो जो नहीं आया एंट्री में वो आएंगे फिर नाम उनके। फिर वो कहता है हो गया यहाँ तक, 400 शेयर वर रीशू, तो इन 600 में से सिर्फ 400 को ही रीशू किया है भाई, सारे नहीं करे। यहाँ पे देखो ये स्पेशल टॉपिक आ गया, एक स्पेशल बात आ गई, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको बोलेंगे कि 600 में से सिर्फ 400 ही शेयरों को, 600 शेयरों में से सिर्फ 400 शेयरों को ही रीशू किया है, और वो भी किस हिसाब से, 9 के हिसाब से, 9 पर शेयर फुली पेड अप, तो 10 रुपये वाला शेयर 9 में हम दे रहे हैं, तो 1 रुपया डिस्काउंट पे किया है और पूरे नहीं करे। तो यहाँ पे ये समझना है, इनका वर्किंग नोट बनाना आना चाहिए, वही मेन है, इसे आ गया तो आने वाला जो बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा न्यूमेरिकल है, वो आपको आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम एंट्री, एंट्री बनेगी यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का तो कोई टॉपिक है ही नहीं, मतलब ना प्रीमियम का अभी यहाँ पे ऊपर इशू रिफोर फीचर में, तो टू शेयर जो जो नहीं आए, अलॉटमेंट नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और आगे है टू शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट, और जो बच गया सारा फॉर फ्यूचर में, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, समझ आ गया। अब अमाउंट डालना सीख लीजिए, 600 शेयर हैं,
दस का एक है 6,000 आ गए, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना भी 600 शेयर हैं, 3 रुपये का अलॉटमेंट है तो 1800 यहाँ आ गए। फर्स्ट कॉल कितने के, दो की, तो 1200 ये आ गए, 600 दो सिर्फ ये आ गया, 1200 यहाँ आ गया। अब इसमें कितना आएगा जो नहीं आया, 3 2 5 2 7, इसका मतलब 3 रुपये आ चुके, तो 6 3 1800 इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रीशू। रीशू आपको पता ही है 10 वाला 9 में किया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो यार 9 के हिसाब से किया है, तो रीशू की एंट्री आप डिस्काउंट वाले टॉपिक की बनाएंगे, तो एंट्री बनेगी ये बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, डिस्काउंट को बोलेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी बन गई है भाई रीशू की एंट्री, और अमाउंट किस तरह से चलेगा वो भी देख लीजिए। शेयर सिर्फ 400 यूज करें भाई, ऊपर बोला था ना उसने यहाँ 400, तो 400 के हिसाब से चलना है, और 9 के हिसाब से बैंक में आएगा 400, 1 रुपये का डिस्काउंट बन गया, तो 3600 ये आ गए, 400 ये आ गए आपके, और 10 के हिसाब से 4000 रुपये की आपकी शेयर कैपिटल बन गई, ठीक है। अब उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, ये सबसे बड़ा पंगा है, एंट्री बना लेते हैं पहले। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंट्री तो बन गई। अब अमाउंट डालना ये सबसे बड़ी बात है, तो रफ साइड में चलते हैं, हम अमाउंट आपको डालना सिखाते हैं। सबसे पहले कैसे आप अमाउंट बनाएंगे, यहाँ पे लाइन डाल ली मैंने, इतने में आ जाएगा वर्किंग नोट। यहाँ लिखेंगे इफ प्रॉफिट 600 शेयर, यदि 600 शेयर पे प्रॉफिट है हो, तो कितना 600 पे 1800 आया था ना, 600 का 1800 रुपये, ठीक है भाई। 600 शेयरों का प्रॉफिट यदि 1800 हो, तो एक शेयर पे प्रॉफिट कितना आएगा 1800 के बटे 600, ठीक है। और हमारे पास शेयर कितने हैं अब 400, तो 400 शेयर होगा कितना प्रॉफिट निकलेगा 1800 के डिवाइड में 600 के मल्टीप्लाई में 400, ये ध्यान रखना है। ये आ गया 4 3 1200 रुपये, ठीक है भाई, इतने रुपए का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले जो लास्ट अभी क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसमें इसमें से इसको लेस करके जब यहाँ लिखा था ना, पर वो शेयर एक इक्वल थे वहाँ और यहाँ, अब यहाँ शेयर अलग अलग हो गए, तो ये 600 का यूज़ की बजाय आप यहाँ यूज करेंगे जितने शेयर रियल में रीशू हुए हैं 400, तो 400 का प्रॉफिट आप यहाँ निकाल चुके हैं 1200, तो 1200 में से 400 गया आपका, आ गया यहाँ 800, तो रियल में यहाँ 800 आना है। तो इस तरह क्वेश्चन करके दिखाना है, समझ आपको आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से करें, थैंक यू।